हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम उबुद से सिडेमन आए हैं, और जिन्होंने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि सिडेमन एक छोटा सा विलेज है जो उबुद से लगभग 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर आता है। तो यहाँ पे आप या तो स्टेकेशन के लिए आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ है और हर एक प्रॉपर्टी से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर हमारी तरह आप एक्सप्लोर करने के लिए आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ साइड के काफ़ी सारे लोकेशन है जो आप देख सकते हो। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप सिडेमन में रुकते हो तो आप क्या क्या चीजें इसके अराउंड देख सकते हो। सो स्टार्ट करेंगे तुकरचेपुंग वाटरफॉल से। सो तुकरचेपुंग वाटरफॉल अगर आप सिडेमन नहीं आ रहे हो और सिर्फ उबुद आ रहे हो तो भी आप आ सकते हो। यहाँ पर उबुद से लगभग आपको 1 से 1.25 घंटा लगेगा, बट सिडेमन से आपको हार्डली हाफ एन आवर लगेगा अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हो तो, और दोपहर के टाइम पे आ रहे हो तो भी आपको सिर्फ 40 मिनट्स ही लगेगा तुकरचेपुंग वाटरफॉल पहुँचने के लिए। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वाटरफॉल की तरफ। यहाँ पे आपको मेरे पीछे एक बोट दिख रहा होगा, दोनों की साइड पे वाटरफॉल है, और ये पहला ऐसा वाटरफॉल है हमने जो बाली में देखा है जो इतना इजीली एक्सेसिबल है। इसके पहले के सारे वाटरफॉल्स में हमने बहुत ज़्यादा क्लाइंब किया था, बहुत ज़्यादा हाइक किया था। ये बहुत सिंपल है, आपको 10 मिनट्स लगता है नीचे तक आने के लिए, और स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ लास्ट वाला जो स्टेयर है उसके स्टेप का हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट बाकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी ट्रैक है। आप आराम से यहाँ पर नीचे आ सकते हो, और हर एक पॉइंट पे उन्होंने साइन बोर्ड लगाया है वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए, तो आप आराम से आ सकते हो। ये वाले वाटरफॉल में आपको वाटर क्रॉसिंग करना पड़ता है, तो प्रॉपर शूज़ डाल कर आइए। बाली का सबसे फेमस वाटरफॉल तुकरचेपुंग, और ये दो रीज़न की वजह से फेमस है। ये जिस माउंटेन के बीच में है उसका कार्विंग बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है, इस वजह से बहुत ही अलग दिखता है ये वाटरफॉल। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि 8 बजे के बाद, मतलब मॉर्निंग के 8 बजे के बाद यहाँ पे सनरेज आते हैं और वो पूरे वाटरफॉल में फैल जाते हैं, इस वजह से बहुत ही मेस्मराइजिंग दिखता है ये वाटरफॉल। बट पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर वेदर काफ़ी क्लाउडी होने की वजह से सनरेज आए नहीं है यहाँ पर। हम लोगों ने 1 से 1.5 घंटा वेट किया, बट अभी तक आए नहीं है सनरेज। बट उसके अलावा भी मुझे तो ये वाटरफॉल काफ़ी यूनिक लगा, स्पेशली कार्विंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और उसको पूरा एक अलग ही लुक देती है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो और आपको सनरेज देखना है तो आपको सुबह 8 से 9 बजे के बीच में दिखेंगे। सो वाटरफॉल से ऊपर आने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो पार्किंग एरिया में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया, ऑमलेट, फ्रूट प्लेटर और कोकोनट पिया हम लोगों ने, तो अराउंड कुछ हमारा 1 लाख IDR बिल आया। सो वाटरफॉल से अभी हम जा रहे हैं पूरा लेम्पुयांग टेम्पल के लिए, और आज के दिन के लिए भी हमने कार हायर की है। टोटल जो टाइम है वो कुछ 3 से 4 घंटे का है। हाँ, और एक चीज़, हम लोग स्कूटी हायर करने वाले थे, बट हम लोग जब यहाँ पे सिडेमन में आए तो हम लोगों ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड ऐसे रोड है, मतलब थोड़े घाट में कैसे रहते वैसे, और बहुत ही ज़्यादा है मतलब इंक्लिनेशन, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे टैक्सी रेंट करते ज़्यादा सेफर होगा, क्योंकि स्कूटी पे हम लोग स्लिप हो सकते हैं क्योंकि बारिश भी गिर रहा है। सबसे बड़ा रीज़न वो भी है क्योंकि क्लाउडी पूरा वेदर है तो बारिश कभी भी गिर सकता है, तो हमारा पूरा कैमराज वगैरह सब गीला हो जाएगा और फिर शूट भी नहीं होता, उसके लिए हम लोगों ने कार हायर की। तुकरचेपुंग से आपको पूरा लेम्पुयांग आने के लिए करीब करीब 1 घंटा लगता है, और रोड बहुत ही ऐसे टर्न्स वाला है, ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला, तो आपको मोशन सिकनेस का अगर इश्यू है तो प्लीज़ दवाई लेकर आइए, क्योंकि मुझे थोड़ा फील हो रहा था वो सिकनेस। और हम लोग अभी यहाँ पे पार्किंग एरिया में पहुँच चुके हैं, यहाँ से ऐसा शटल जाता है, तो वो शटल के लिए हम लोग टिकट बाय कर रहे हैं। उसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर वॉशरूम यूज़ किया, जिसका 5000 पर पर्सन है अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो, और यहाँ पे हम लोगों ने कोकोनट वाटर पिया, उसका हम लोगों ने पे किया 20,000 IDR। टिकट करें 45,000 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे शटल का, रिटर्न टिकट, हाँ, और ऊपर टेम्पल का टिकट 50,000, वो भी इधर ही पे करना है, 55,000 नहीं वो ऊपर पे करना है। सो गाइस, ऐसे बस थ्रू हम लोग को अभी ऊपर जाना है टेम्पल की तरफ। ये
शटल बस आपको यहाँ पे टिकट काउंटर के यहाँ पे ड्रॉप करेगा, यहाँ से आपको टेंपल के लिए टिकट लेना है। कितना है टिकट आपका? टिकट है 55,000 पर पर्सन। हाँ, 55,000। उसमें वो लोग नंबर भी लिख के देते हैं अगर आपको हेवंस गेट पे फोटो निकालना है तो। वैसे अभी हम लोग का नंबर है 332 सॉरी। हाँ, सो मैं तो टेंपल के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मेरा आज पीरियड्स का फोर्थ डे है तो अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर बैठूंगी, ये लोग सिर्फ टेंपल देख के आ जाएंगे। सो गाइस, ये एंट्रेंस है टेंपल का और वो हेवंस गेट है वहाँ पे ऊपर, और आई गेस वहाँ से सीधा माउंट अबू का व्यू है। ओके, सो यू गॉट नंबर इज 232. Yeah. So number now is 150. Okay. So might be waiting around 2 until 3 hours. 2 to 3 hours. Yeah, this is your queue number. Yeah. The small one. So later they will call your number in umbrella there. Okay, yeah. Fine. Thank so you. So you take a picture around here. Yeah. Until then. Yeah. Until Thank they you. Will call you. So guys, ये इतने सारे लोग queue में खड़े हैं और वहाँ पे हेवंस गेट है और उसके पीछे जैसे मैंने आपको बोला माउंट अबू का पूरा व्यू है, बट काफ़ी ज़्यादा वेट है। वो लोग हर एक का नंबर का बुलाएंगे तब वहाँ पे जाके फोटो क्लिक करना, और 1 से 2 मिनट मिलता है फोटो क्लिक करने को। एंट्रेंस के यहाँ पे मुझे बोला कि मेरा जो नंबर है वो 322, तो मुझे रफली 2 to 3 hours जाएगा। ये माउंट अबू है, अगर आप गेट के एग्जैक्टली मिडल में खड़े हो और अगर मिडल से फ़ोटो लेते हो तो वो माउंटेन एग्जैक्टली उसके पीछे आ जाता है और उसी का सारा पैसा है। सो गाइस, ये गेट का पीछे का साइड है, यहाँ से उतर के ये व्यू है और सामने वापस माउंट अबू है। ये भी अच्छा व्यू है ना? मस्त है। यहाँ पे सारा पोजिंग चल रहा है। सो अभी लंच करने के बाद आए हैं तीर्थगंगा टेंपल पे। ये पूरा लेम्पायुंग से अराउंड 10-15 मिनट्स के दूरी पर है। राइट, और हम लोगों ने फिश फूड लिया है फिश को खिलाने के लिए, और ये 5,000 का है, एक पैकेट आता है, और 10,000 का बड़ा पैकेट आता है। थोड़ा थोड़ा इड़ा ना, फोटो भी लेने के लिए। उधर बच्चों को फेंकना, उधर बेचारे वो लोग मर रहे, तरह से दूर फेंक जरा। तीर्थगंगा का टिकट है 50,000 IDR पर पर्सन, और इसका एक्चुअल नाम है तमन तीर्थगंगा। तमन का मीनिंग होता है लोकल लैंग्वेज में गार्डन। सो ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये टेंपल है, तो अगर आपको पीरियड्स है तो आप अंदर नहीं जा सकते, बट आप गार्डन में टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो मैं तो अंदर नहीं जा रही हूँ टेंपल में, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पॉन्ड बहुत बड़ा बना है और इसमें बहुत सारी फिशेज है, और सब लोग यहाँ पे फिशेज को फूड खिला रहे, फिश फूड खिला रहे। सो ये मैं एंजॉय कर रही हूँ। सो गाइस, तीर्थगंगा से अभी हम आए सनसेट देखने के लिए, और इसके लिए ये पूरे दिन में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। और वो सनसेट पॉइंट का नाम क्या है मैं आपको वहाँ पर पहुँच के ही बताऊँगी। सिर्फ हमारा प्लानिंग में आज थोड़ा गड़बड़ हो गया कि आइडियली हम लोग उबुद से तुकड़ जेपुंग जाने वाले थे, बट माउंट बतूर की हाइक के बाद हम लोग इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि वो हमें कैंसिल करना पड़ा, इसलिए हमने आज रखा। आइडियली अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपका सबसे पहला जो पॉइंट है ये जहाँ पर हम सनसेट देखने जा रहे हैं वो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली सनसेट का स्काई दिखता है, बट सनराइज़ के लिए ये ज़्यादा फेमस है। सनराइज़ में भी आपको बहुत अच्छा स्काई मिलेगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जाना है पूरा लेम्पुयांग, और फिर आपको जाना है तीर्थगंगा। सो अभी हम लोग जहाँ पर अभी जिस पॉइंट पे हम पहुँचे हैं वो पूरा लेम्पुयांग से अराउंड 3 किलोमीटर्स के दूरी पर है, और यहाँ पे एक आपको कार पार्क करके स्कूटर लेके जाता है। यहाँ से 800 मीटर्स अंदर जाना है आपको, तो आप हाइक भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मोस्टली लोग स्कूटर प्रेफर करते हैं। स्कूटर का जो कॉस्टिंग है वो 40,000
पर पर्सन है, आपको लेके भी जाएंगे और वापस यहाँ पर रिटर्न छोड़ेंगे भी। तो एकदम एपिक बाइक राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन में। इसका नाम है लहांगन स्वीट और ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। यहाँ पे एक साइड पे पूरा माउंट अगुंग दिख रहा है, वो भी एक एक्टिव वोल्केनो है और माउंट बतूर से भी ज़्यादा बड़ा वोल्केनो है। उसका लास्ट इरप्शन 2017 में हुआ था और एक साइड पे सी का, समंदर का इन्फिनिटी व्यू है। वाव, अमेजिंग। और ये हाईएस्ट पॉइंट है बाली का, ये देखिए, ये है माउंट अगुंग। गुड मॉर्निंग गाइज। सो आज नेक्स्ट डे है, हमारा सनसेट बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो लहांगन स्वीट को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। आज का दिन हम लोगों ने सीडेमन में थोड़ा सा चिल वाला रखा है, हम लोग कुछ कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर करेंगे और एक दो चीज़ें जो यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम से करनी है। और आज के लिए भी हमने कार हायर की है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप्स है और यहाँ पे टू व्हीलर चलाना कितना सेफ होगा पता नहीं, और तीन चार लोकेशंस पे हमें जाना है। तो हमें आज के लिए हमने कार हायर की IDR 4 लाख के आसपास, जो होता है इंडियन रुपीस में 2000। तो ये सबसे पहले अभी हम आए हैं ब्रंच करने, क्योंकि हमेशा की तरह हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सीधा लंच कर रहे हैं हम लोग। और हम आए हैं नैनास किचन में, हमारे स्टे से अराउंड ये 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है और बहुत ही क्यूट और छोटा रेस्टोरेंट है। यहाँ से पूरा राइस फील्ड का व्यू है। ऑर्डर किया है मी गोरेंग वेजिटेरियन। तो यहाँ का फ़ायदा ये है ना कि आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको मेन्यू में वेजिटेरियन ऑप्शन शायद नहीं मिले, बट आप उनको रिक्वेस्ट करोगे तो कम्प्लीटली आपको वेजिटेरियन बना के देंगे। सिर्फ आपको बोलना है कि नो मीट और नो एग, क्योंकि वेजिटेरियन मतलब कभी कभी वो एग इंक्लूड कर देते हैं फूड में। और ये मेरा चिकन पिज्ज़ा है, पिकास का है नासी गोरेंग। नासी गोरेंग इज राइस, उसके अंदर चिकन है और एग है और थोड़ा सा सलाद, ग्रीन सलाद देते हैं। फ्रूट प्लेटर बोला है हम लोगों ने, जिसमें ड्रैगन फ्रूट है, एप्पल है, मस्क मेलन है जिसका मैंने जूस पिया और वाटरमेलन है। नैनास किचन में स्विमिंग पूल भी है, फूड ऑर्डर करते हो तो आप स्विमिंग पूल उनका विदाउट एनी कॉस्ट यूज़ कर सकते हो और आपको इन्फिनिटी राइस फील्ड का व्यू मिलेगा वहाँ से। तो अभी हम आए हैं ला मोंटान कॉफ़ी में। ये मैं करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ शायद से, क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है और इसका बेसिकली मीनिंग होता है माउंटेन। सो ये कैफ़े से माउंट अगुंग का बहुत अच्छा व्यू दिखता है, बट अभी फ़िलहाल क्लाउडी है तो पूरा क्लाउड से कवर्ड है माउंट अगुंग। बट होपफुली शाम तक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो माउंट अगुंग हमें देखने मिलेगा। बट माउंट अगुंग के साथ साथ यहाँ पर पूरा राइस फील्ड है। ला माउंटेन कैफ़े है वो महागिरी रिसोर्ट का पार्ट है, तो आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो महागिरी रिसोर्ट में। और कैफ़े का टाइमिंग सिर्फ 6 PM तक ही कैफ़े शुरू होता है, तो हम लोग ऑलरेडी अभी 4:30 हो रहा है तो अभी हम लोग 15-20 मिनट्स वेट करेंगे क्योंकि स्काई अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सो 15-20 मिनट्स में हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे। सो ये था हमारा सीडेमन में 2 दिन। बहुत ही शांत और प्यारी जगह है, अगर आपको ऐसी शांति चाहिए और रिलैक्स करना है तो सीडेमन को डेफिनेटली कंसिडर कीजिए अपने बाली ट्रिप के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा बाली ट्रिप के बारे में तो आप हमारी आइटिनरी डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी यहाँ से कल हम लोग जाने वाले हैं नूसा लेम्बोंगन। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वॉन्डर्स।